दोस्तों आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ये वाकया एक पुजारी जी का है जिन्होंने एक बहुत ही अजीब लड़की से शादी कर ली, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों एक बार की बात है, एक लड़का कहीं जा रहा था, उसकी उम्र लगभग 25 साल की थी, लेकिन अभी तक बेचारे की शादी नहीं हुई थी। लेकिन उस दिन चलते चलते शाम का समय हो जाता है, वो रास्ता भटक जाता है तो भटकते भटकते उसे कहीं अपनी मंजिल नहीं मिलती। अब तो वो भूख और प्यास से तड़पने लगता है। दूर दूर तक उसे कोई भी गांव नजर नहीं आता, उसे एक परिंदा तक नजर नहीं आता। तो वो चलता जा रहा था, शाम हो गई, देर हो गई और रात हो गई। बेचारा चलते चलते भूख प्यास से तड़प रहा था, भगवान को याद कर रहा था कि हे भगवान मेरी रक्षा करो। लेकिन चलते चलते उसे एक गांव कहीं दूर नजर आता है। वो लड़का कहता है अपने आप से कि चलो वहीं पर चलते हैं, शायद वहां पर कुछ सहारा मिल जाएगा। और जैसे ही उस गाँव में पहुँचने वाला होता है तो रात हो जाती है और एक खम्बा जैसे ही वो पकड़ता है तो वो वहाँ उस खम्बे को पकड़कर मूर्छित हो जाता है। पूरी रात मूर्छित अवस्था में ही गुजर जाती है, भूखे प्यासे तड़पता हुआ सुबह का समय भी हो जाता है। तो देखता है कि जहाँ पर वो मूर्छित हुआ था वहाँ तो हनुमान जी का मंदिर था, उस मंदिर पर ताला लगा हुआ था। वो बड़ा अचंभित होता है कि भगवान के मंदिर में गेट पर ताला क्यों है, बल्कि जहाँ मंदिर होता है वहाँ तो सुबह के समय श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, यहाँ तो कोई आरती भजन कीर्तन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। और जैसे ही वो अपने आप को हनुमान जी के दरबार में पाता है तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है और कहता है कि हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी अपरंपार कृपा है, जो मुझे होश आया भी तो आपके दरबार में, धन्य हो प्रभु। लेकिन वो जैसे ही इस बात को कहता है तो उस गाँव का मुखिया वहाँ पर आ जाता है और पीछे से हाथ रखते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। वो अपना परिचय बताता है कि मैं कहीं जा रहा था और मैं रास्ता भटक गया हूँ, भटकते भटकते मैं यहाँ आ गया हूँ और धन्य भाग मेरे कि मैं अपने हनुमान जी के दरबार में ही आया हूँ। इनकी मैं सच्ची भाव से पूजा उपासना करता हूँ और इन्हीं के दरबार में मैं मूर्छित हुआ था। इसके बाद वो लड़का गाँव के मुखिया से पूछता है कि ये जो मंदिर है इस मंदिर के गेट पर ताला क्यों लगा हुआ है। तो मुखिया कहता है कि कुछ दिनों पहले इस मंदिर का जो पुजारी था वो यहाँ से ढेर सारे चढ़ावे को लेकर भाग गया और इस वजह से तब से इस मंदिर की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। लेकिन वो मुखिया फिर से कहता है कि तुम देखने में बड़े अच्छे और तेजस्वी लगते हो, शायद तुम पंडित हो। अब क्योंकि वो पंडित ही था, गोरा बदन, लंबा गोरा चिट्टा, अच्छा नौजवान लग रहा था। लड़का बोलता है कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं इस मंदिर का पुजारी बन सकता हूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी की सेवा करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। यदि आप लोग मुझे सेवा करने का अवसर दें तो मैं हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बन जाऊंगा। मुखिया ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, और देखने में तुम तेजस्वी भी लगते हो, सब काम भी कर लोगे। उस लड़के को दोस्तों पुजारी बना दिया गया। पूरे गाँव में उस मुखिया ने कह दिया था कि हनुमान जी का जो मंदिर है उसमें एक नया पुजारी आ गया है। ऐसे में कुछ लोग देखने आते हैं तो देखते हैं कि उन्हें लड़का काफी होशियार और नौजवान लगा। देखते ही देखते काफी लोगों की भीड़ लगना मंदिर में शुरू हो गई। लेकिन वो लड़का उस गांव के मुखिया से कहता है कि देखिए मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, प्यास लगी है, यदि आप मेरे खाने पीने की व्यवस्था कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो मुखिया अपने घर पर उसे ले जाता है और खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद शाम के समय वो लड़का उस मंदिर में कीर्तन भजन आरती करता है और उस आरती के समय उस लड़के की आवाज सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सब उसकी आवाज की प्रशंसा करने लगते हैं कि वाह क्या आरती करता है, क्या गजब का सुर ताल है। और तो और उस लड़के की आवाज को सुनकर लोगों की लाइन लग जाती है। अब तो वो लड़का धीरे धीरे गांव में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। उस लड़के के रहने के लिए मंदिर में ही बगल में एक छोटा सा घर बनवा दिया जिसमें वो लड़का रहने लगा। अगले दिन वो लड़का अपने घर की खिड़की पर से सुबह के समय कुछ देख रहा था, तभी उसकी नजर एक छत पर पड़ जाती है। वो उस छत पर देखता है कि वहाँ एक सुंदर कन्या अपने बालों को कंघी कर रही थी। तभी उस लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ती है तो लड़की की नजर भी उस पुजारी पर पड़ जाती है। उस पुजारी की उस लड़की पर थोड़ी सी गलत निगाहें
निगाहें चली जाती हैं और वो लड़की इस पर मंत्र मुग्ध हो जाती है। दोनों का कुछ समय तक नैन मटक्का होता है, लेकिन लड़का तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकता, ये तो बहुत ही गलत है, घोर अनर्थ है। जब तक मेरी शादी न हो जाए मैं ऐसा कोई भी पाप नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी शादी तो जीवन में एक ही बार होनी है और एक ही स्त्री के साथ मैं अपना जीवन निर्वाह करूँगा। मैं ये पाप हरगिज नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ये जो जवानी का असर है उसको मैं उछलने नहीं दूंगा। तभी वो हनुमान जी के मंदिर में जाता है और कहता है, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये जो मेरी आंखें हैं किसी लड़की पर गलत चली गई हैं। हे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, बस उस समय तक इस जवानी को कंट्रोल करने दीजिए जब तक मेरी शादी किसी एक के साथ ना हो जाए। हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इस तरीके से कहकर वो फिर से अपने विश्राम कक्ष में चला जाता है। जैसे जैसे उम्र बीतती गई वो भगवान की भक्ति में लीन होता रहा। इसी तरह 2-3 साल बीत गए। 3 साल बीत गए, अब तक उस लड़के ने फिर से कभी उस खिड़की का दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि अगर खोलता तो उस लड़की की छत दिखेगी और फिर से उसको वही सब याद आ जाएगा। दोस्तों, वो बेचारा गर्मी में रहता, कष्ट सहता, लेकिन उस खिड़की के दरवाजे को कभी नहीं खोलता, क्योंकि वहाँ से उसको गंदे ख्याल आ जाते थे। अपने आप को कंट्रोल में वो करके रखता था, क्योंकि वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और हनुमान जी की कृपा भी उस पर अब लगने लगी थी। वो थोड़े बहुत झाड़ फूक भी करने लगा था। किसी के ऊपर अगर बुरी नजर लग जाती तो वो एक बार हनुमान जी का नाम लेकर झाड़ फूक कर देता, जल पिला देता, उसके ऊपर से बुरी नजर, प्रेत आत्मा धीरे धीरे खत्म हो जाती। किसी के भी घर गांव में ऐसा कुछ अगर होता तो उस पुजारी को ही बुलाते थे। लेकिन एक दिन जो मुखिया जी थे उनके लड़के की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। मुखिया जी भागे भागे पुजारी के पास आते हैं। पुजारी जी, मेरा बेटा कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, चलिए थोड़ा देख लीजिए क्या हो गया है। वो अपना दीवार में सिर भी मार रहा है, अनाप शनाप चीजें बोल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है उसे। पुजारी जी भागे भागे उसके घर जाते हैं। जैसे ही उसके घर जाते हैं और जो देखते हैं वो अचंभित हो जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, चारपाई पर एक लड़का बैठा हुआ है और वहीं पर वो लड़की भी खड़ी हुई है जिस लड़की को सालों पहले देखा था, जिसको देखकर उन्होंने खिड़की के दरवाजे को बंद कर दिया था। लेकिन वहाँ पर वो अपनी नजरें झुकाकर उस लड़के के ऊपर हनुमान जी का मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते पढ़ते वो लड़का अजीब हरकतें करना बंद कर देता है और शांत हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर पुजारी अपनी नजरें झुकाकर घर की ओर चले गए, अर्थात मंदिर की ओर चले गए। उस गांव में उसकी पूरी इज्जत बन चुकी थी, क्योंकि वो लड़का बहुत ही नेक था। वो पुजारी बहुत ही नेक इंसान था, किसी को भी बुरी नजर से आज तक नहीं देखा था और हर एक औरत को अपनी माँ बहन बेटी ही समझता था। वो ऐसा मानता था कि मेरी शादी जिसके साथ होगी उसको छोड़कर बाकी सभी मेरी बहनें हैं। इस वजह से वो किसी भी लड़की से नजर नहीं मिलाता था। लेकिन अगले ही दिन उस मुखिया का लड़का भागा भागा आता है, पुजारी जी जल्दी से मेरे घर चलिए, मेरी दीदी की तबीयत खराब हो गई है, पता नहीं वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। पुजारी जी जब उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि वही लड़की जिसे छत पर उस दिन कंघी करते हुए देखा था कुछ अजीब हरकतें कर रही है। पुजारी जी उस पर भी कोई झाड़ फूंक का मंत्र पढ़ते हैं। वो लड़की शांत हो जाती है और फिर पुजारी जी घर चले आते हैं। उस लड़की को शादी के लिए अगले दिन लड़के वाले उसके घर देखने आने वाले थे। उस गांव के मुखिया ने कहा, देखो पुजारी, इस लड़की की शादी के लिए, इसको देखने के लिए कल लड़के वाले आएंगे, इस वजह से इसको सही करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगले दिन जैसे ही लड़के वाले देखने के लिए उसके घर आते हैं, उसी समय उसका भाई भागा पुजारी के पास आता है और कहता है कि पुजारी जी जल्दी से चलिए, मेरी दीदी के ऊपर फिर से कुछ ऐसा हो गया है कि वो पता नहीं क्या क्या कर रही है। पुजारी भागा भागा फिर से उनके घर आता है और देखता है कि रुद्र आंखें, लाल लाल आंखें, भयानक खुले हुए बाल, फिर भी पुजारी बिल्कुल भयभीत नहीं होता। हनुमान जी का मंत्र पढ़ता है और उसके ऊपर कुछ करता है। दोस्तों, उसके बाद कोई असर नहीं होता और वो लड़की तुरंत एक डंडा उठाती है और जो लड़का उसे शादी के लिए देखने आया था उसे 2-4 डंडे मार देती है और फिर जो उसकी होने वाली सास थी
उसे भी वो डंडे मारती है और वो साथ साथ जोर से चिल्ला रही थी, चले जाओ यहाँ से, इस घर में कोई शादी नहीं होगी, इस लड़की की जिस लड़के से शादी होगी वो मर जाएगा, अगर तू अपनी मौत चाहता है तो इस लड़की से शादी कर वरना यहाँ से चला जा। ऐसे में वो लड़के वाले जो उसे देखने आए थे तुरंत वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। उसके बाद फिर से पुजारी ने किसी तरीके से मंत्र वगैरह पढ़ के उसको शांत किया, लेकिन उसे सब कुछ पता चल गया था कि लड़की कहीं ना कहीं कुछ नाटकबाजी ड्रामेबाजी कर रही है। उस लड़की पर कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, लेकिन अब पूरे गांव में डंका बज चुका था कि लड़की ने लड़के वालों के साथ ऐसा हाल किया। सब बात कर रहे थे कि अब इस लड़की से कौन शादी करेगा। उस लड़की की माँ कहने लगी कि बेटा अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। मुखिया भी बड़ा चिंतित था कि गांव का जो मुखिया है उसकी लड़की ने ऐसी हरकत की कि दरवाजे पर जो लड़का देखने वाला आया उसे ही डंडे मारकर भगा दिया। लड़की बहुत तेज है, इससे भला अब शादी कौन करेगा। दोस्तों इस बात का पूरे गांव में अब डंका बज चुका था। वो पुजारी अपने घर चला गया। अगले दिन फिर से वो लड़की का भाई आता है भागा भागा और बोलता है, पुजारी जी जल्दी चलिए, मेरी दीदी आज भी कुछ अजीब हरकतें कर रही है। वो पुजारी समझ गया कि उसके ऊपर कोई शैतानी आत्मा नहीं है बल्कि लड़की नाटक कर रही है। पुजारी कहता है, ठीक है आप लोग कुछ समय के लिए बस मुझे उस लड़की के साथ अकेले बात करने दीजिए एक कमरे में जाकर और फिर सब ठीक हो जाएगा। वो पुजारी उस लड़की के साथ कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद करके पुजारी उससे कहता है कि देखो तुम अपनी नौटंकी बंद कर दो। जैसे ही नौटंकी कहता है कि बंद कर दो, वो लड़की समझ जाती है कि पुजारी मेरी चाल समझ चुका है। वो लड़की कहती है कि आखिर तुम समझ ही गई कि मैं नाटक कर रही हूँ। पुजारी लड़की के इस नाटक को करने का कारण पूछता है। इस पर वो लड़की कहती है कि उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। पुजारी बोलता है कि साधारण सी बात थी, तुम अपने माता पिता को बोल सकती थी कि मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी। इस सब नाटक की वजह से तुम्हारी गांव में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है, अब तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी, तुमसे कोई भी अब लड़का शादी नहीं करेगा। तो वो लड़की बोलती है कि मेरी शादी अब उसी से होगी जो मेरी पूरी हकीकत को जानता है। वो पुजारी बोला कि मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। पुजारी सब समझता था लेकिन जानबूझकर अनजान बन रहा था। तो वो लड़की बोलती है कि पुजारी तुम जानबूझकर अनजान क्यों बनते हो, तुम तो सब जानते हो कि मैं नाटक कर रही थी, मैं कोई गलत नहीं हूँ, गाँव वालों को पता है कि मैं गलत हूँ लेकिन तुमको पता है मेरी हकीकत क्या है, इसलिए अब तुम्हें ही मुझसे शादी करनी होगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जैसे ही वो लड़की ये बात बोलती है पुजारी नजरें नीची करके उस कमरे से बाहर निकल जाता है और लड़की की माँ से कहता है कि आपकी बेटी अब बिल्कुल ठीक है, अब उस पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलने लगता है उस लड़की की माँ कहती है कि देखो पुजारी जी एक बात कहूँ बुरा ना मानो तो। पुजारी जी ने कहा, माता जी बोलिए, आपका हक है, आप उससे बड़ी हैं। लड़की की माँ बोलती है, देखो बेटा तुम नौजवान हो, तुम अभी शादी शुदा भी नहीं हो, अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लेते तो बड़ी अच्छी बात होती। उस लड़के ने कहा, माता जी आप जो कह रही हैं ठीक है, लेकिन आपके अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, जो आपके गांव में आपके जानने वाले लोग हैं वो सब क्या कहेंगे। लड़की की माँ ने कहा कि जब हमारी बुरी स्थिति थी, मेरे घर में इतना बुरा हाल था, मेरी बच्ची बीमार थी, तब गांव वाले कहाँ गए थे, तब उन गांव वालों ने साथ नहीं दिया बल्कि बातें बनाई, तो अब वो मेरे घर में बोलने वाले कौन होते हैं, उनकी चिंता करके क्या फायदा, बेटा तुम तैयार हो जाओ तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहती हूँ। पुजारी इस शादी के लिए तैयार हो गया। अब उस लड़के की शादी यानी कि पुजारी की शादी उस लड़की से हो गई और दोनों ने एक नया जीवन शुरू कर दिया। तो दोस्तों आपको ये वाकया कैसा लगा, अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।